इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में पार्टी के दिल्ली हेडक्वार्टर में कांग्रेस के बड़े लीडर्स जुटे, जिसमें 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत न्याय यात्रा की तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। एमपी विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। राजधानी भोपाल में द्विवार्षिक जिला बार एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रविंद्र तिवारी ने बताया कि जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 8 जनवरी को होंगे, वहीं मतगणना 9 और 10 जनवरी को होगी। धौलपुर के जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में 9 मतदाता संपर्क अभियान के लिए बैठक हुई। कार्यक्रम जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पराशर की अध्यक्षता में हुई। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी 9 मतदाता संपर्क अभियान के तहत 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले सभी 9 मतदाताओं को मतदान सूची में जोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेगी। छत्तीसगढ़ में अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर अनियमित कर्मचारी दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में अनियमित कर्मचारियों के प्रांतीय संयोजक ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपनी परेशानियों को छत्तीसगढ़ के मुखिया के समक्ष रखा। बदले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आवश्यक कार्रवाई करने के आश्वासन भी दिए हैं। राजधानी भोपाल में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के बावजूद बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में देर रात हुई लूट की वारदात ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। शहर में ज्वेलरी शोरूम के संचालक के घर में घुसकर 3 बदमाशों ने चाकू की नोक पर 1 करोड़ रुपए लूट लिए। बता दें कि शोरूम संचालक ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेचकर 90 लाख रुपए 10 लाख रुपए से अधिक की ज्वेलरी जुटाई थी। डिप्टी सीएम किशोर प्रसाद मौर्य आपको बता दें कि जिले पहुंचे, जहां पर उन्होंने चुनावी राम भक्त पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर 550 साल बाद बन रहा है, इसके कारण जिसका हाजमा खराब है वे अच्छे डॉक्टर से दवा लें, बार बार सवाल उठाने का काम ना करें। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की हर ग्राम पंचायत को मिनी सचिवालय बनाने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में लखनऊ की अटारी पंचायत में डिजिटल मिनी सचिवालय बनाया गया है। राजधानी के माल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले अटारी पंचायत में पेपरलेस और वाईफाई जोन युक्त डिजिटल सचिवालय बनाकर तैयार किया गया है। इंदौर में रणजी हनुमान मंदिर की प्रभात फेरी के दौरान चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। चाकूबाजी की इस वारदात में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि कई सालों से निकलने वाली रणजीत हनुमान जी की प्रभात फेरी में शुभम रघुवंशी अपने दोस्त कृष्णा के साथ शामिल होने सुबह घर से निकले थे। रैली में अधिक भीड़ होने के बाद विवाद किया। भोपाल में रेलवे यात्री सुरक्षा जागरूकता सप्ताह चलाया जा रहा है, जिसके तहत जीआरपी प्रदेश भर के रेलवे स्टेशनों पर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। रेल एडिशनल एसपी प्रदीप पटेल, डीएसपी बिट्टू शर्मा, टीआई जाहिर खान और पूरी जीआरपी टीम ने पैम्पलेट बांटकर लोगों को जागरूक किया। लोगों को साउंड सिस्टम के जरिए भी जागरूक किया गया। भोपाल में एनजीटी के फैसले के बाद विरोध किया जा रहा है। सिग्नेचर 99 के रहवासियों ने फैसले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला और उन्होंने मांग की है कि जो 33 मीटर का माप लिया गया है वो पूरी तरीके से गलत है। साथ ही बताया कि सोसाइटी का निर्माण के समय ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी, बावजूद इसके नगर निगम ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया। उज्जैन जीआरपी पुलिस ने लूट और ठगी की वारदात करने वाले आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से लूट के 1,26,000 नगद समेत बाइक बरामद कर ली है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने युवक को पैसे कई गुना करने का लालच दिया था और लूट की थी। कासगंज में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। यहां विवाद की सूचना पर एसएचओ हरिभान सिंह राठौर घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों से उन्हें गोली मार दी। आपको बता दें कि दरअसल पुलिस को एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के पशु को खोलकर बंधक बनाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम विवाद सुलझाने के लिए गई थी। घायल एसएचओ को अलीगंज रेफर किया गया है। डबरा में रेत माफिया पर लगाम कसने की प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। इसी क्रम में एसटीएम आईएएस दिव्यांशु चौधरी ने चिथौल रेत घाट पर दबिश दी है। अवैध संचालन पर कार्रवाई की गई, साथ ही एक पनडुब्बी को भी जब्त किया गया है। पूरा मामला अनुभान के पिछोर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
कासगंज के कादरगंज मार्ग पर स्थित गांव छितेरा बचरोजपुर में शराब की अवैध बिक्री को रोकने को लेकर एसडीएम सीओ के साथ आबकारी विभाग टीम ने ठेकों पर छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान शराब के ठेकों पर बिक्री रजिस्टरों को चेक कर शराब के स्टॉक के बारे में जानकारी ली गई। वहीं शराब के ठेके पर सीसीटीवी कैमरे चालू नहीं करने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पश्चिमी जिला नार्कोटिक्स सेल ने दो खतरनाक ड्रग्स तस्करों की गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त विचित्र वीर ने बताया कि दोनों पहले भी चार आपराधिक मामलों में शामिल रहे। इन दोनों अपराधियों ने कुल 3 किलो 990 ग्राम गांजा बरामद किया है। मिर्जापुर पुलिस ने टावरों से बैटरी और अन्य सामानों की चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि 4 नाबालिग समेत गैंग के 12 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से वाहन समेत चोरी के दर्जनों सामान भी बरामद किए गए हैं। लाहौर में निजी स्कूल संचालिका ने जबरन फीस देने के लिए पालक पर हरिजन एक्ट लगाने की धमकी दी है, जिसकी शिकायत पालक ने लाहौर एसडीएम से की है। बता दें कि अंजनार के रहने वाले मोहित शर्मा ने अपनी भांजी का एडमिशन लाहौर के योग्यता पब्लिक स्कूल में करवाया था। स्कूल संचालिका पालक ने जबरन 8,000 रुपए की मांग की। रायपुर में पुलिस ने सट्टा चलाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से लैपटॉप मोबाइल समेत करोड़ों के हिसाब का लिखा हुआ एक रजिस्टर भी बरामद किया है। पूरा मामला थाना टिकरापारा के नया बस स्टैंड का है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने मंदसौर जिले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां टीम ने कृषि उपज मंडी में पदस्थ लेखापाल प्रथम हरीश कुमार को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित रवि राठौर ने लोकायुक्त एसपी उज्जैन दिलीप सोयानी को लिखित में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि आरोपी ने कॉन्ट्रैक्टर के मासिक मेदेय का देते हुए आवेदक से 78,000 रुपए की मांग। झाबुआ से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें परवलिया चौकी में पदस्थ आरक्षक का 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वीडियो में अवैध शराब बेचने के लिए रिश्वत ली जा रही है। वीडियो जिले के काकनवानी थाना क्षेत्र के परवलिया चौकी का बताया जा रहा है। खैरागढ़ में पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला छुई खदान थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। इंदौर में फरार चल रहे आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चंदन नगर थाने के एनटीपीएस एक्ट प्रकरण के फरार चल रहा था। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच ने बताया कि घटना में शामिल दो आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं और हाल ही में गिरफ्तार किया गया आरोपी घटना के समय से ही फरार चल रहा था। कानपुर में ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी अवैध मेडिकल स्टोरों का छापामारी कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि जहां पिछले दिनों ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा थाना स्वरूप नगर स्थित कार्डियोलॉजी के पास एक मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई की गई, जो एक जानकारी के मुताबिक निजी मेडिकल स्टोर के कर्मचारी कार्डियोलॉजी अस्पताल से निकालने वाले मरीजों को जबरदस्ती दवाई दिला रहे थे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाई जा रही है। बीजेपी मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस के कार्यकाल पर हुए घटनाओं को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में कानून व्यवस्था ध्वस्त रही। इस बात को कांग्रेसी विधायक ने अपने गृह मंत्री के सामने स्वीकार भी किया है। अमरवाड़ा के खाकरा चौराई रोड स्थित सिंगोड़ी निवास में बैटरी ऑयल की दुकान में अज्ञात कारणों से रात्रि 3:30 बजे भीषण आग लगी। ग्रामीणों और दुकान मालिक ने आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन भीषण आग होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया गया। वहीं दमकल वाहनों को तत्काल फोन पर बुलाया गया। लगभग 2 घंटे बाद बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उन्नाव में स्कूली बस और भैंस से लदे पिकअप में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप चालक और एक छात्र घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को इलाज के लिए भेजा। पिकअप में लदी भैंसों को भी चोट आई है। स्कूली बस में करीब 10 विद्यार्थी सवार थे। घायल छात्र का निजी अस्पताल में उपचार जारी है।
रुड़की के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लाई फैक्ट्री में भीषण आग लगी। घटना की सूचना पाकर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बता दें कि रुड़की के भगवानपुर स्थित रायपुर में प्लाई फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कंपनी गांव के पास होने के कारण गांव में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। औद्योगिक क्षेत्र रायपुर स्थित मर्सी वुड नाम की प्लाई बोर्ड बनाई का नाम बताया जा रहा है। रीवा में यातायात पुलिस ने बुलेट गाड़ी में लगने वाले लाइसेंसर को नष्ट कर दिया है। तेज आवाज करने वाले लाइसेंसर पर यातायात पुलिस की नजर रखी जा रही है। रीवा में यातायात पुलिस ने तेज आवाज में बुलेट में लगने वाले लाइसेंसर पर भी कार्रवाई की है। अमेठी में लव जिहाद का मामला सामने आया है। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के सुंदरपुर गांव का है, जहां युवती नजदीकी बाजार गोसाईगंज में सिलाई सीखने गई थी। तब भी विशेष समुदाय का लड़का लड़की को बहला फुसला कर भगा ले गया, जिसके बाद लड़की के परिजन ने लड़की के परिजन को धमकाना शुरू कर दिया। लड़की के परिजन ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने गए युवक की मौत का मामला सामने आया। मामले में परिजन ने हत्या का आरोप लगाया है। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद कुछ भी साफ हो जाएगा तो उसकी जानकारी दे दी जाएगी। पूरा मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र के भवानी नगर का है। टीकमगढ़ जिले में पिछले कई दिनों से भयंकर कोहरा है। बीते दिन यहां अचानक तेज बारिश हो गई और आकाशीय बिजली युवक पर गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पूरा मामला विकास खंड पलेरा के मडरी गांव का है। युवक खेत से वापस जा रहा था और इसी दौरान बिजली की चपेट में आ गया। इंदौर में महिला के संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र के रस्सी मैदान का है। जानकारी के मुताबिक महिला के परिजन का पड़ोसियों से बिजली के बिल को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के चलते लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें महिला की मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने बताया कि महिला के शरीर पर कोई मारपीट का निशान नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिजनौर के फतेहपुर इलाके में देर रात कार लेकर अपने घर जा रहे एक शख्स को बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। परिजन की तहरीर पर पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। मथुरा में विदेशी नागरिक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। जानकारी के मुताबिक मृतक अमेरिका का रहने वाला था और 3 महीने से वृंदावन में रह रहा था। मृतक रेंट पर रहता था। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, जहां मामले की जांच की जा रही है। पूरा मामला थाना वृंदावन कोतवाली इलाके के रमन बेती चौकी क्षेत्र का है। खरगोन में धर्मांतरण का मामला सामने आया। सेगांव ब्लॉक की ग्राम पंचायत गाटला खेड़ी के वकाना गांव में से मामला यह सामने आया है। धर्म परिवर्तन की सूचना मिलने के बाद सकल हिंदू समाज के लोग मौके पर पहुंचे, साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। ऊन थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह की कानूनी लड़ाई को लेकर हिंदू पक्ष के हाथ एक ऐसा साक्ष्य हाथ लगा हुआ है, जिसे वो आने वाले कोर्ट की तारीख में पेश करेगी। आपको बता दें कि जन्मभूमि के पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने दावा किया है कि उन्हें ओरछा रियासत के आधिकारिक लेखक वीर मैत्रेय द्वारा लिखित प्रतिष्ठा प्रकाश पुस्तक के 8वें वॉल्यूम का साक्ष्य मिला है। छतरपुर जिले में एक प्राथमिक स्कूल के खेल मैदान पर दबंगों ने कब्जा कर लिया और खेल मैदान पर पशुओं को बांध रहे हैं, जिसके कारण स्कूल जाने वाले छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। दरअसल पूरा मामला राजनगर के टोरिया पूर्वा प्राथमिक स्कूल का है, जहां प्रशासन की अनदेखी के चलते स्कूल भैंसों का तबेला बन गया है। सिवनी जिले के 10 मजदूरों को महाराष्ट्र में बंधक बनाने का मामला सामने आया। बता दें कि छपारा थाना क्षेत्र में एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई। युवक ने बताया कि उसके परिवार सहित गांव के 10 लोगों को सतारा जिले में 3 महीने से बंधक बना रखा है और घर वापस नहीं आने दिया जा रहा है। शिकायत के बाद एसपी के निर्देश पर छपारा थाना प्रभारी ने एक टीम का गठन कर दिया है। नारायणपुर जिले के अंतर्गत खोड़ गांव में साहू कमांडेंट 11वीं की वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के नेतृत्व में सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। 11वीं वाहिनी के इस कार्यक्रम में छात्रों, युवाओं, महिलाओं सहित ग्रामवासियों को दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं का वितरण किया गया। वहीं कार्यक्रम के पश्चात ग्रामीणों ने BSF के प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित किया।
इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। एनएसयूआई का कहना है कि देश में बढ़ती महंगाई शिक्षा को रोकने के लिए हमने प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अपील की है, जिसमें शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए आग्रह किया गया है। एनएसयूआई ने कहा कि महंगी शिक्षा से आमजन को अपने बच्चों को पढ़ाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोवर्धन में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन चेयरमैन प्रतिनिधि मनीष लंबरदार ने फीता काटकर किया। इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। लखनऊ में अपराध पर लगाम लगाने के लिए लखनऊ पुलिस सख्त हो गई है। इसी क्रम में नई पुलिस चौकी का शुभारंभ भी किया गया। माल थाना और इंटोजा थाना बॉर्डर एरिया में सैदापुर में नई पुलिस चौकी बनाई गई है। पश्चिम के डीसीपी राहुल राज ने फीता काट कर शुभारंभ किया। माल इलाके में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए डीसीपी ने पुलिस से नई पुलिस चौकी का भी सौगात। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के अमलेश्वर में भव्य महाकाल मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 16 जनवरी से 18 जनवरी तक रखा गया है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भंडारे का भी आयोजन रखा गया है। सर्वराकार पंडित दीप प्रिया शरण त्रिपाठी ने बताया कि अमलेश्वर में खारू नदी के पास साल 2004 में स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था। भगवान रामलीला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी की समीक्षा करने एडीजी जोन पीयूष मोड़िया अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन में समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पीयूष मोड़िया ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में विभिन्न जगहों से लोग अयोध्या पहुंचेंगे, किस रास्ते से आएंगे, कैसे उन्हें राम जन्मभूमि परिसर पहुंचाया जाएगा, इसके इंतजाम किए गए। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए अयोध्या धाम से पीले चावल और श्री राम जन्मभूमि मंदिर समारोह का कार्ड भेजा गया है। इसके बाद उपनगर लालबाग स्थित श्री राम मंदिर संस्थान के अध्यक्ष अमर यादव, नगर निगम अध्यक्ष अनीता यादव सहित अन्य सदस्यों ने लालबाग क्षेत्र के मंदिरों के पीले चावल और कार्ड पुजारियों को वितरित किए। महोबा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत ग्राम पसवारा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आवास योजना के लाभार्थी श्याम सखी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता की और उज्ज्वला योजना, शौचालय आदि के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम में मौजूद सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने कई सारी बातें इस दौरान योजना को लेकर भी कही। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा सहारनपुर से चलकर सीतापुर पहुंची, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में हरगांव विधानसभा के नवीन नगर में जनसभा हुई। इस दौरान प्रदेश सचिव सुभाष राजवंशी ने महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। जावद के अठाना में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें जनपद पंचायत अध्यक्ष गोपाल चारण शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के तहत सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा रहा है, हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। कुनो नेशनल पार्क से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मादा चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शावकों का वीडियो शेयर किया। नेशनल पार्क का मैदानी अमला और डॉक्टरों की टीम शावकों पर नजर बनाए हुए है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को बधाई दी है। मंडला का विश्व विख्यात कान्हा नेशनल पार्क पर्यटकों से गुलजार है। पर्यटक अपने परिवार के साथ कान्हा नेशनल पार्क घूमने पहुंच रहे हैं। वहीं पर्यटकों को भी जंगल सफारी भ्रमण के दौरान वनराज सहित अन्य जंगली जानवरों के दीदार हो रहे हैं। पर्यटक भी वन्य जीवों के दीदार करके काफी उत्साहित रोमांचित नजर आ रहे हैं। कान्हा नेशनल पार्क के मुख्य संरक्षक एस के सिंह का कहना है कि पर्यटकों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है।